खबर गोरखपुर से है, जहां चित्रकला में उत्कृष्ट आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि डीएफओ गोरखपुर के निर्देशानुसार वन विभाग की ओर से विकासखंड ब्रह्मपुर के एसएसडी पब्लिक एकेडमी करमेता रामपुरा के विद्यालय पर सोमवार को वन्यजीव सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय में चित्रकला निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वन्यजीव एवं उनके आवास विषय पर कागज पर चित्र बनाए गए। साथ ही वन्यजीवन के महत्व विषय पर निबंध भी लिखे गए। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं मेडल देकर मनोबल बढ़ाया गया। प्रथम पुरस्कार यश दुबे क्लास 8, द्वितीय पुरस्कार अंकित, तृतीय पुरस्कार श्रुति शुक्ला। मेडल पाने वाले छात्र छात्राएं दिव्य प्रकाश दुबे, पिंकी गुप्ता, आर्यन, समीर शाह, सृष्टि, करिश्मा निषाद, सिद्धि सिंह, चांदनी, सुकन्या, रितिमा रही। क्षेत्रीय वन अधिकारी गोरखपुर अमन जैन ने विद्यालय के समस्त छात्राओं के लिए वन्यजीव की सुरक्षा के लिए विस्तृत जानकारी दिया। ये किस तरह का कार्यक्रम? ये राष्ट्र वन्यजीव सप्ताह मनाया गया है। राष्ट्र वन्यजीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, जो आपको जागरूक करता है वन्यजीव के संरक्षण और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए, कि आज की जो युवा पीढ़ी है इनके संरक्षण के बारे में जान सके। हर साल होता है? यह हर वर्ष होता है। राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अपना? मेरा नाम है अमन जैन और एज अ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, गोरखपुर रेंज में कार्यरत हूँ। गोरखपुर से विनय दुबे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।